कभी सोचा आपने भाजपा के लिए सबसे आसान क्या है? भाजपा के लिए सबसे आसान है नफरत फैलाना, और नफरत फैलाने का ये भाव आता है सत्ता की भूख और नीतियों के अभाव से। जब आप नफरत फैलाते हो तो लोगों के लिए काम नहीं करना पड़ता है, और भाजपा का यही पैटर्न है। आप खुद देखिए, देश में जब भी कोई संकट आता है, लोग मुसीबत में होते हैं और सवाल करना शुरू करते हैं, तो भाजपा लोगों को बांटने के लिए नफरत का सहारा लेने लगती है। ज्यादा अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन को ही देख लीजिए, 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसानों के सामने जब सरकार घुटने टेकती नजर आई, तो उसने पर्दे के पीछे से किसानों के खिलाफ नफरत को शह देना शुरू किया। किसानों के खिलाफ भाड़े के लोग खड़े किए, उन्हें खालिस्तानी, मवाली, आतंकी, पाकिस्तानी कहा गया, और अन्नदाता के खिलाफ नफरत परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें परजीवी कहकर नफरत को उकसाने का काम किया। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। किसानों के खिलाफ ये नफरत इस कदर हावी थी कि खुद प्रधानमंत्री को किसानों की शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो छुट्टियां मरती है, तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कभी आपके लिए तो मरे थे जो आप राजा बने हुए। मगर अंत में हुआ क्या, पीएम मोदी और भाजपा की नफरत हार गई और किसानों की ताकत, उनका प्यार, उनका हौसला जीत गया। तो संदेश यही है, पेगासस हो या टेक फोर, भाजपाई नफरत वाले इस रोग के खिलाफ डट जाइए। ये हार जाएंगे और देश जीत जाएगा। जय हिंद।